गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने कई टॉपिक्स आपको कवर कराए हैं, राज्यसभा, लोकसभा या राष्ट्रपति के बारे में। साथ में हमने उसकी संरचना वगैरह सब पीछे डिस्कस कर रखा है। एक टॉपिक से जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है सामान्यता, जैसे 2020 और 21 के PCS प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन वहाँ से था, जिस टॉपिक का नाम है समितियाँ। तो हम आपको आज समझाने जा रहे हैं टॉपिक कि संसदीय समितियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो समझते हैं समिति। ठीक, यहां पर हम कौन सी समिति, संसदीय समितियों की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक, तो इस पहले तो हम ये बताते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो हमें पता है कि हमारे यहां जो संवैधानिक विकास हो रहा था, तो 1919 का एक भारत शासन अधिनियम आया था, और वो भारत शासन अधिनियम जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रेरित था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रेरित था। पता हो आपको कि राजनीतिक उथल पुथल इस दौरान बहुत चल रही थी देश में, उसकी वजह से इससे जो सुधार आए थे उसी के तहत सबसे पहले भारत में 1921 में हमारे यहाँ समिति का गठन हुआ था। ये हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट हमें जानना है कि भारत में सबसे पहले समिति का गठन कब हुआ, तो हम बताएंगे 1921 में। ठीक, वो बात अलग है, अभी हम देखेंगे कि किस समिति का गठन हुआ और कैसे कैसे समिति का गठन हुआ। अब हम यहाँ समझाते हैं आपको कि समितियों के प्रकार क्या हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि समिति क्या है। समिति क्या है, तो कहते हैं कि कुछ लोगों का समूह। इनकी विशेषता होती है कि ये विषय के विशेषज्ञ होते हैं। फिर हम समझते हैं संक्षेप में कि ये क्यों गठित की जाती हैं। समझें क्यों गठित की जाती हैं, क्योंकि संसद में जितने भी विधेयक बनते हैं या प्रस्ताव आते हैं उन पर, आपको पता है हमारे यहाँ लोकतंत्र चलता है, और लोकतंत्र की वजह से विशेषज्ञ लोग निर्वाचित होकर नहीं जाते, तो उन्हें उस विषय का नॉलेज है कि नहीं है ये बात समझ नहीं आती है। तो इसकी वजह से इसमें संसद सदस्य भी होते हैं, और अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो कुछ अन्य लोगों को भी इसमें भागीदारी दे देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि हमने दो बातें स्पष्ट की कि कुछ लोगों का समूह जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं और विधेयकों पर ठीक से विचार विमर्श हो सके, उनकी क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं ये सब चीजें सामने आ सके, इसकी वजह से इनका गठन किया जाता है। अब देखिए ये दो प्रकार की होती हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने प्रकार की होती हैं। तो संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक हम बोलते हैं स्थायी समिति और दूसरी जो होती हैं वो अस्थायी, या हम कहते हैं तदर्थ समिति, इसे एडहॉक कमेटी भी बोला जाता है, एडहॉक कमेटी, और इसे हम परमानेंट कमेटी बोलते हैं, परमानेंट कमेटी। हम देखिए ये समितियां ऐसी होती हैं जो हमेशा गठित रहती हैं, हालांकि ये गठित प्रत्येक वर्ष पर की जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष पर गठित की जाती हैं। और इन समितियों की खासियत होती है कि किसी विशेष विषय के लिए किसी विशेष या मुद्दे की जांच या सलाह हेतु गठित की जाती हैं। और रिपोर्ट के बाद समाप्त हो जाती है, रिपोर्ट के पश्चात
समाप्त हो जाती है, हो जाती है। समझने वाली बात है। इसमें केवल दो ही आती हैं, एक जांच समिति, मतलब किसी की जांच करनी हो, और दूसरी होगी सलाहकार समिति। तो हमने आपको एडहॉक का कंप्लीट कर दिया है। इसमें इतनी ही बातें जाननी है कि ये किसी विशेष विषय मुद्दे की जांच या सलाह हेतु गठित की जाती हैं, और रिपोर्ट देने के बाद ये समाप्त हो जाती हैं। और ये दो ही प्रकार की होती हैं, एक जांच समिति होती है और दूसरी होती है सलाहकार समिति। अब हम बात डिटेल में हमें इसकी करनी है, स्थायी समितियों की जो प्रत्येक वर्ष गठित होती हैं, गठित की जाती है। उससे पहले इसमें कौन कौन सी आती हैं समझें, तो सबसे पहले आती है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति, और ये तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है पहली लोक लेखा समिति, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोक लेखा समिति। दूसरी जो होती है वो प्राकलन समिति होती है, प्राकलन समिति। और तीसरी जो है वो हमारी लोक उपक्रम समिति या उपक्रम समिति होती है, लोक उपक्रम समिति। ये पहली स्थायी समिति है जो हर वर्ष गठित होती है। दूसरी अगर हम देखते हैं स्थायी समिति जो हमें मिलती है वो SC/ST की कल्याण, SC/ST कल्याण समिति, ठीक है, ये हमें मिल जाती है। इधर की हम रफ कर रहे हैं, स्थायी समितियां इधर समझाते हैं। तीसरी जो हमें समिति मिलती है वो कार्य मंत्रणा समिति, इसे बोलते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और चौथी जो मिलती है वो विशेषाधिकार समिति, पांचवी महिला सशक्तिकरण समिति, और छठवीं जो हमें मिलती है वो विभागीय समिति मिलती है। ये स्थायी समितियां हैं। कई बार पेपर में केवल इतना क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति है, और इनमें से ऑप्शंस में कोई मिले तो वो सभी समितियां क्या कहलाएंगी, स्थायी समितियां कहलाएंगी। हम इनके वर्णन को बहुत कम कर रहे हैं, इसलिए हम एक अप्रोच से समझाते हैं कि इन सभी समितियों में कॉमन पॉइंट क्या है। इन सभी समितियों के कॉमन पॉइंट क्या है, यहां तक नोट हो गया सभी, ठीक, समझे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका निर्वाचन कैसे कैसे कहां से क्या होता है। ये चलिए हम तुलना करके पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक वित्तीय समिति हमें पता, इसमें हमने तीन समितियां बताई हैं आपको, सबसे पहले हमने बताई है लोक लेखा समिति, दूसरी मैंने बताई है आपको प्राकलन समिति, और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम या हम कहें लोक उपक्रम समिति। पहला क्वेश्चन बनता है कि किसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन 1921 में हुआ। इसका गठन कोई पूछे तो जॉन मथाई की सिफारिश पर पर 1950 में हुआ था, और इसका गठन कोई पूछे तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर
1964 में हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम इस पर पहले बात करते हैं। फिर हमसे पूछा जाता है इसमें सामान्यता कि सदस्य संख्या क्या है, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सबके सब लोकसभा से होते हैं। इसमें भी 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तीसरी बात पूछी जाती है कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। यहां पर समझने वाली बात है, इसका जो उद्देश्य होता है वो सरकार के लेखों की जांच करना। और इसे आधार वो किसे बनाता है, कैग की रिपोर्ट को। ठीक, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका उद्देश्य होता है अनुपूरक और विनियोग, अनुपूरक या विनियोग खातों की जांच करना। और इसका सार्वजनिक या लोक उपक्रम सार्वजनिक या सरकारी लोक उपक्रम के खातों की जांच करना। ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब थोड़ा समझ लो, देखिए इसमें सरकार के लेखाओं की जांच करना क्या है, जो सरकार की जो संचित निधि है, कितना पैसा आया कितना गया, उनकी सबकी जांच इसमें की जाती है, अकाउंट्स वगैरह। यहां पर समझिए कि सरकार ने जो पैसा मांगा है उनकी जांच की जाती है अनुपूरक और विनियोग खातों में, किसमें किस डिपार्टमेंट के लिए कितना मांगा है, किस विभाग के लिए कितना मांगा है। और यहां पर जैसे कंपनियां होती हैं सरकार की, BSNL है, FCI है, SEBI है, उनकी सबकी जांच की जाती है। बात समझ रहे हैं? अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से बनते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, हम बताते हैं, रफ करें यहां पर। पहले एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसे समझना। इनके निर्वाचन समझाते हैं, जो कंफ्यूजन वाला है पहले वो क्लियर कर दें फिर कॉमन बता दें। अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का होता है, विपक्षी दल का होगा। और कौन नियुक्त करता है अगर पूछा जाए, नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा सत्ता दल का होगा, सत्ताधारी दल का होगा। इसमें कभी कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, इसमें मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। ठीक, और इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक, इन्हें हम क्या कह देते हैं, जुड़वा बहन। किसे किसे हम जुड़वा बहन कहते हैं, लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये समझने वाली बात है। मैंने उसमें इतना बताया, उतनी डिटेल ही उसमें पूछी जाती है, इसके बारे में कुछ बातें और बता दें, रफ करें। ये सामान्यतः बहुत पेपर में पूछी गई है, PCS में 2-3 बार पूछी जा चुका, रफ करें। ठीक, अब यहीं से समझेंगे, इनके जितने सदस्य हमने बताए हैं तीनों समितियों की, मैं कॉमन बात कर रहा हूं अब इनके, अगर सदस्यों के बारे में पूछा जाए,
पूछा जाता है इनका जैसे निर्वाचन के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, निर्वाचन का क्या पूछा जा सकता है आपसे, प्रकार, तो हमें प्रकार है अप्रत्यक्ष, क्यों, क्योंकि ये सदन के सदस्यों में से चुने जाने। फिर पूछा जाता है पद्धति कौन सी होगी, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, सभी की बात मैं कर रहा हूं। फिर पूछा जाए कि कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल इनका एक वर्ष होता है, ठीक है, तो ये बातें भी यहां से पूछी जाती हैं जो आपको आनी चाहिए। समझ आ गया, मतलब ठीक है। देखिए अगली समिति जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो एससी एसटी कल्याण समिति। अब हमें केवल जानना है, देखिए सबका प्रोसीजर वही होगा, अगर कोई पूछे अध्यक्ष कौन निर्वाचित करता है इनका, तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जब तक वो ना, हम अलग अलग समिति की बात ना करें। सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति सेम रहेगी तो हम नहीं बता रहे, केवल हमें क्या समझना है कि सदस्य संख्या कितनी है। सदस्य संख्या इसमें टोटल 30 होगी और 20 इसमें वो कहां से होंगे, लोकसभा से, और 10 कहां से होंगे, राज्यसभा से। दूसरा हमें याद रखना है कि इनका उद्देश्य क्या है। तो आपको पता है कि एससी एसटी कमीशन है हमारे यहां, एससी एसटी आयोग द्वारा दी गई रिपोर्टों की जांच करना, जांच करना और सलाह देना, फिर सलाह देना, बस इतना ही इसमें जाना, बाकी अब सभी के लिए सेम प्रोसीजर रहना। रफ करें, अगला देखिए, कार्य मंत्रणा समिति एक होती है, कार्य मंत्रणा समिति, इसे कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक। इसमें अगर फिर वही चीजें हमसे पूछी जाए कि टोटल सदस्य कितने होते हैं, पहली बात तो ये समझना है कि दोनों सदनों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। लोकसभा में जो होगी वो 15 सदस्यों की होगी और राज्यसभा में जो होगी वो 11 सदस्यों की होगी। लोकसभा में इसके सदस्यों का कौन नियुक्त करेगा, हम कहें लोकसभा अध्यक्ष, और वहां कौन निर्धारित करेगा, राज्यसभा का सभापति, ठीक। तो अब हमें ये इसका काम क्या होता है, उद्देश्य समझना है। जैसे लोक सदन में समय तालिका तैयार करना कि कौन सा काम कब होगा, और कार्यवाही के बाद नियम नियम बनाना, कार्यवाही के नियम बनाना, ये काम करते। फिर है विशेषाधिकार हनन समिति, अगली जो हमें लिखनी समझनी है, विशेषाधिकार हनन समिति। अब देखिए इसे हम कमेटी ऑन प्रिविलेज बोलते हैं इंग्लिश में, कमेटी ऑन प्रिविलेज। यहां पर भी समझें अलग अलग होती हैं दोनों सदनों में, अलग अलग होती हैं। जैसे लोकसभा में पूछा जाए तो कितने सदस्य होते हैं, 15 होते हैं,
और राज्यसभा में अगर पूछा जाए तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। फिर वही पावर किसके पास, लोकसभा अध्यक्ष, और किसके पास, सभापति के पास। इसका उद्देश्य क्या होता है, ये समय ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करते हैं, हमें उद्देश्य याद रखना है। अगर किसी भी सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन हो तो उसकी ये जांच करता है, तो हम क्या कहेंगे, विशेषाधिकारों के हनन की जांच, हनन की जांच करता है। रफ करें, महिला सशक्तिकरण समिति, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए। इसमें भी पूछा जाए कि कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 30 होते हैं। कहां से कितने कितने, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 होते हैं। उद्देश्य अगर कोई पूछ दे, महिला आयोग की रिपोर्ट की जांच, यह होता है इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब अगला अगर हम देखें, सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन फिर पूछा गया इन समितियों में, विभागीय समिति। आपको पता है हर विभाग की समितियां होती हैं, मुख्यतः इनकी संख्या पूछी जाती है कि कुल कितनी होती हैं, तो 24 होती है, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि कहां से कितनी, तो सामान्यतः लोकसभा की 16 होती हैं और 8 कहां से वो की जाती हैं, राज्यसभा से। इतनी बात समझ। सदस्य संख्या अगर कोई पूछे तो हर समिति में 31 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। और 31 सदस्यों में अधिकतम अधिकतम 21 सदस्य जो होंगे वो कहां से, लोकसभा से, लोकसभा से। और अधिकतम 10 सदस्य जो होंगे वो राज्यसभा से। बात समझ लो, विभागीय समितियां में आपको समझना है, इन अपने अपने विभाग के बारे में रिपोर्ट्स वगैरह देती हैं, ठीक। ये रफ कर, एक समिति और चर्चा में आई जो यूपीएससी ने पूछा था, विधायन अधीनस्थ समिति। इसका ऑब्जेक्टिव समझना है, पहले तो सदस्य आप समझ लें, टोटल 31 सदस्य होते हैं। उद्देश्य पूछा जाता है, उद्देश्य क्या करते हैं, जितनी भी विधि बनती हैं, नियम बनते हैं, विधेयक बनते हैं, इन सब की जांच करना, जांच करना। और अगर सदस्य कोई पूछ ले तो सदस्य टोटल होते हैं 31। स्थायी समितियों में इसे रखा नहीं गया है, इतना और याद रखें, ठीक है, उस कैटेगरी में नहीं। इसी तरीके से एक एडिशनल समिति और बनी है जो संसदीय समिति नहीं मानी जाती है, जिन्हें हम कहते हैं परामर्शदात्री समिति, परामर्शदात्री समिति। वर्तमान में अगर इनकी संख्या कोई पूछ दे तो 35 है और सभी विभागों की अपनी अपनी होती है, सभी विभागों की अपनी अपनी होती है। तो मैंने सभी समितियां आपको यहां तक समझा दी हैं कि स्थाई, अस्थाई, और स्थाई में कौन सी याद रखनी, दो समितियां ऐसी हैं जिन्हें संसदीय समिति के दर्जे में नहीं रखा गया लेकिन वो भी गठित होती हैं, परामर्शदात्री और विधायन अधीनस्थ समिति, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन समिति वाले टॉपिक में अगर
you